नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुपुर और स्वागत करती हूं आपका सूत्र एम्ब्रेस योगा चैनल में। चलिए तो आज है हमारा एपिसोड नंबर 3, यानी कि आखिरी एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीरीज, सबसे पहली सीरीज योगा सर्वाइवल गाइड फॉर बिगिनर्स, यानी कि हमारा आखिरी एपिसोड रहेगा। इसमें भी हम आज लोअर बॉडी वार्म अप करेंगे। लोअर बॉडी यानी कि कमर से नीचे के हिस्से का जो पार्ट है या हिस्सा है, उसे हम जो बोलते हैं लोअर बॉडी बोलते हैं। हमारे पैरों तक रहेगा और हम लोग इसमें थोड़ा सा स्पाइन मोबिलिटी, यानी कि हमारे स्पाइन का मूवमेंट हो, ऐसी क्रियाएँ भी करेंगे। आज बहुत सारी क्रियाएँ करनी है। अब ये क्रियाएँ क्यों बोल रही हूँ एकदम से, वार्म अप को छोड़ के क्रियाएँ? क्रियाएँ इसीलिए, बिकॉज़ इसे बोलते ही सूक्ष्म क्रियाएँ हैं या सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। सूक्ष्म यानी छोटी छोटी क्रियाएँ जो हमारे हर एक जॉइंट को जो है थोड़ा सा मूवमेंट देती है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसे सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। चलिए तो आखिरी एपिसोड है, बहुत सारी क्रिया करने वाले हैं, बहुत सारे व्यायाम करने वाले हैं हम, तो ज़्यादा समय ना ज़ाय करते हुए हम चलते हैं सीधे मैट के ऊपर चेंज करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्रिया से दोनों पैरों के पंजों को एक फुट जितने अंतर के ऊपर रख दीजिए। दोनों हाथों को अपने वेस्ट के ऊपर रखें और धीरे धीरे वेस्ट रोटेशन की शुरुआत करें। अपनी कमर को आगे से पीछे गोल गोल घुमाना है। ध्यान में ये रखें कि आपका जो अपर बॉडी है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, अपर बॉडी को मूव नहीं करना, केवल कमर को गोल गोल घुमाना है। इसी तरीके से हम 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं। अभी दूसरी क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से वी शेप में रखना है, यानी कि आपकी एड़ियों को जोड़ के रखना है और पैरों के अंगूठों को बाहर की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों के पंजे इस तरीके से बट्स को सपोर्ट करते हुए हाथों की जो रिस्ट्स होती हैं उसे हम ऊपर लोअर बैक के ऊपर रखेंगे और हाथों की उंगलियाँ नीचे बट को सपोर्ट करते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। एक अच्छा सा आर्क बनाना है, वापस आगे की तरफ झुके, केवल 90 डिग्रीज तक झुकना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना और धीरे धीरे आर्क बनाते हुए पीछे जाना है। वापस 90 डिग्री आगे की तरफ झुकेंगे और सामने देखना है, बिल्कुल नीचे नहीं देखना, और वापस आर्क बनाते हुए पीछे जाएंगे। इसी तरीके से 6 से 7 बार इसे रिपीट कर सकते हैं। आप हर एक क्रिया को 6 से 10 बार, यानी कि मिनिमम 6 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो 20 टाइम्स भी कर सकते हैं, पर ओवरडू करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए इस क्रिया के बाद दोनों पैरों के पंजों को हम 3.5 से 4 फुट जितने अंतर पर रख देंगे। दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियाँ जो है वो अंदर की तरफ रहेंगी, यानी आपकी जो एड़ी है और पैरों की उंगलियाँ जो है वो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। आपके पैरों के बीच का अंतर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप बैलेंस ही नहीं कर पाएँ और अपनी क्रियाएँ ठीक से ना कर पाए, ना कि इतना कम होना चाहिए कि आपको ज़रा सा भी स्ट्रेच महसूस ना हो। 3.5 से 4 फुट जितना अंतर एकदम पर्याप्त रहता है। अच्छे से एड़ी और पैरों के पंजों को सीधे रखते हुए इनहेल करके हाथों को ऊपर करेंगे और एक्सहेल करके अपने अपर बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे। पहले हाथों के पंजों को आगे सेंटर में और पीछे लेकर जाना है। इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल आगे, बीच में और पीछे की तरफ हाथों के पंजों को लेकर जाना है। इसी क्रिया को हम आराम से 7-8 बार रिपीट कर सकते हैं। धीरे से अपने काफ मसल्स को अच्छे से पकड़ के धीरे धीरे मस्तिष्क को नीचे लेकर जाने का प्रयत्न करेंगे। आपकी स्पाइन जो है वो एक्सटेंडेड रहेगी और कमर और पीठ एकदम सीधी रहनी चाहिए। अभी धीरे से अपने लेफ्ट हाथ को नीचे रख दीजिए दोनों पैरों के पंजों के बीच में और राइट हाथ को ऊपर लेकर जाएं। ध्यान में ये रखें कि आपका लेफ्ट और राइट शोल्डर जो है वो एक दूसरे से एकदम पैरेलल होना चाहिए। इस क्रिया में आपको देखना है ऊपर वाले हाथ की तरफ, ना कि नीचे वाले हाथ की तरफ। एक अच्छा सा स्पाइनल ट्विस्ट मिलेगा ये क्रिया करते वक्त आपको। आप इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट 6 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए दोनों पैरों को वापस एक साथ लेकर आ जाते हैं। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे दोनों पैरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके, तो हम बट टैप्स करेंगे, यानी कि अपनी एड़ियों से बटक्स तक का डिस्टेंस जो है हमें कवर करना है। धीरे धीरे एड़ियों से बट्स को टैप करना है। अगर आपकी एड़ी ऊपर तक नहीं जाती तो इट्स फाइन, डोंट बॉदर मच।
चलिए हाई नीज करते हैं। दोनों हाथों के पंजे अगर आप बिगिनर हैं तो अपने कमर के आगे रखें और धीरे धीरे घुटनों को हाथों तक लेकर जाने की कोशिश करें। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिशनर हैं तो आप अपने हाथों को चेस्ट के आगे रख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को घुटनों को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इससे भी आगे और ऊपर अच्छे से जा सकते हैं तो दोनों हाथों के पंजों को शोल्डर से पैरेलल करते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इसी क्रिया को हम 10 बार हर एक यानी कि दोनों साइड 10-10 बार करेंगे। अभी दोनों हाथों को इंटरलॉक, इन उंगलियों को इंटरलॉक कर देना है। हाथों को पीछे रखेंगे, अपनी गर्दन को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए एल्बोज को बाहर की तरफ लेकर जाना है। अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड और राइट फुट को राइट साइड मोड़ते हुए धीरे से हम राइट नी को राइट एल्बो के पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट नी को लेफ्ट एल्बो के पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रिया को हम 10 बार लेफ्ट साइड और 10 बार राइट साइड रिपीट करेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये ठीक से नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से गलत नहीं करेंगे, यानी कि आपको आपके शरीर को मोड़ना नहीं है। दूसरी तरीके से क्या आप कर सकते हैं, यानी कि आप अपने लेफ्ट साइड ज़्यादा मुड़ के भी इस तरीके से भी नहीं करना है। अगर आपका घुटना बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, आप बिगिनर हैं, तो आप थोड़ा कम लेकर जाएं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन 50% ऊपर लेकर जाएं, जितना हो सके उतना लेकर जाएं, इट्स फाइन, पर अलाइनमेंट्स को न तोड़ें। अभी अपने लेफ्ट हाथ से हम वॉल सपोर्ट लेंगे, या तो फिर आप किसी भी वस्तु का सपोर्ट ले सकते हैं जो एकदम स्टेबल है। दूसरे हाथ को हम कमर के ऊपर रखेंगे, धीरे से लेग स्पेस की शुरुआत करेंगे, यानी आगे से पीछे अपने पैर को ढीला छोड़ते हुए ऊपर और नीचे, यानी आगे पीछे अच्छे से हमें मूव करना है, एक पेंडुलम की तरह। उसी तरीके से दूसरे यानी कि राइट हैंड से सपोर्ट लेंगे। ध्यान में रखें वो जो वस्तु है वो आपके शोल्डर से पैरेलल होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए, मूविंग नहीं होनी चाहिए। दूसरे पैर के साथ उसी तरीके से पेंडुलम लेग स्वेस को हम रिपीट करेंगे। अभी दोनों हाथों को इस तरीके से वॉल के ऊपर या ऐसे किसी वस्तु के ऊपर रख दीजिए और अपने राइट से लेफ्ट साइड पे पेंडुलम की तरह हमें पैर को लेकर जाना है। पैर को एकदम ढीला छोड़ देना है, ऊपर और नीचे की तरफ लेकर आना है। जब मैं नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ तो मैं पैर को आगे की तरफ ओवरलैप करके लेकर जा रही हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ दूसरे पैर को ये वाला पैर लग जाएगा। अभी उसी तरीके से आई एम जस्ट शोइंग द फ्रंट व्यू, आगे का व्यू एक बार देख लीजिए। ऐसे आपका पैर आगे की तरफ लेग्स वे करेगा। अब ये हो जाने के बाद हम धीरे धीरे फ्रंट किक्स की शुरुआत करेंगे, यानी ऊपर की तरफ किक करना है। अभी किक करते वक्त आप इस तरीके से एक टारगेट रख सकते हैं, जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ रखने के लिए क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, तो मैं दोनों हाथों को चेस्ट के आगे रख दूँगी मुट्ठियाँ बना के और जितना हो सके उतना अपने पैर को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करूँगी। जब आप पैर को ऊपर लेकर जाते हैं ध्यान में ये रखें कि आप अपने पैर को घुटनों से मोड़ के ऊपर न लेकर जाएं, जितना हो सके उतना सीधा लेकर जाएं। उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। आप अपने हाथ को ऊपर लेकर जाकर पैर को टच करने की कोशिश कर सकते हैं, जितना ऊपर लेकर जा सके उतना लेकर जाएं, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पैर को ऊपर लेकर जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जा सकते हैं, आपकी बहुत एज है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं ऊपर लेकर जाना पैर को, तो इस तरीके से 90 डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हैं। हर एक बार पैर को नीचे लेकर आइए और सपोर्ट लीजिए। चलिए उसी तरीके से साइड किक्स करेंगे। साइड किक्स में आपके पैर के अंगूठे और उंगलियाँ ऊपर यानी कि सीलिंग को फेस करनी चाहिए। यस, इस तरीके से आपको किक्स करने हैं, ना कि साइडवेज, यानी कि आपके पैर के पंजे साइडवेज नहीं होने चाहिए। इस तरीके से किक्स करेंगे साइड में। दोनों हाथों को मैंने मुट्ठियाँ बना के चेस्ट के पास रख दिया है। जितना हो सके उतना साइड में किक करने की कोशिश करेंगे। इसे हम 10 बार रिपीट कर सकते हैं और उसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं इसे कंप्लीट करूँगी।
ये हो जाने के बाद हम मल्लासन स्क्वाट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि जिस तरीके से हम इंडियन वॉशरूम में बैठते हैं उस तरीके से हमें स्क्वाट्स करने हैं। ऊपर जाना है, बट को नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ पुश करके लेकर आना है। इस दौरान अगर आपकी हील्स अगर मैट से ऊपर उठ जाती है, आप टोस के ऊपर रहते हैं, तो आप मल्लासन स्क्वाट को धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको नी या घुटनों का कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आप उत्कटासन स्क्वाट करें, बट को पीछे की तरफ लेकर जाएं और नीज को अपनी एड़ियों से पैरेलल रखें, यानी कि घुटनों को एड़ियों से पैरेलल रखना है। आपके घुटने इस तरीके से ओवर द टोज, यानी आपके अंगूठों के आगे नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज नी में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अलाइनमेंट्स का खास ध्यान रखें, अगर आपका अपर बॉडी थोड़ा आगे मुड़ता है तो कोई बात नहीं है। चलिए स्कंदासन स्ट्रेच की शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों के पंजों के बीच में 3.5 से 4 फुट जितना अंतर मैं ले लूँगी। अगर आप एक बिगिनर हैं या आपके घुटनों के अंदर कोई तकलीफ है या प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से राइट फुट को राइट साइड, लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को केवल अपनी एड़ियों से पैरेलल लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना, अपने एड़ी से पैरेलल धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट हम लेकर जाएंगे। इससे आप 10 बार अपनी लेफ्ट साइड और 10 बार अपनी राइट साइड रिपीट कर सकते हैं। पर अगर आप स्वस्थ हैं, घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है, और आप अगर इस तरीके से कुछ कोशिश करना चाहते हैं, तो पूर्ण स्कंदासन में जाने की कोशिश करें। पूरे बट को साइड में लेकर जाएं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अच्छा, अगर आपको लगता है कि यार मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो हाथ का सपोर्ट ले लीजिए। बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह लगता है जब आप हाथ का सपोर्ट लेते हैं, तो सपोर्ट लेने के लिए बिल्कुल भी हेसिटेट न करें। कोई भी सपोर्ट लेके आप अपनी क्रियाओं को शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर से देखेंगे। चलिए बैलेंस और होल्ड करते हैं। अपने बट और अपनी नी को हम पैरेलल रखेंगे, पैर को ढीला छोड़ के पैर के अंगूठों को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, यानी एक हाथ को कमर के ऊपर रखें, दूसरे हाथ से किसी चीज़ को पकड़ लीजिए और 10 ब्रेथ से होल्ड करके रखेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे किसी को किक कर रहे हैं वैसे पैर के पंजे को सीधा ऊपर लेकर जाना है और नीचे लेकर आना है। ऐसे भी आप 10 times रिपीट करें और इस स्थिति में पैर को फ्लेक्स करके होल्ड करके रखें। अभी नी रोटेशंस करने हैं। आप खाने को जैसे हिलाते हैं ना एक चम्मच से, वैसे ही आपको पैर को मूव करना है घुटने से, यानी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सर्कुलर रोटेशंस करने हैं। और उसी तरीके से हमें हिप रोटेशंस करने हैं। आपकी सहूलियत के लिए हमने फ्रंट व्यू भी दिखाया हुआ है। आप ऐसे पूरे हिप का रोटेशन करें, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। जैसे मैंने बताया, सपोर्ट बेझिझक ले सकते हैं, आगे चेयर रख के सपोर्ट ले सकते हैं, या तो फिर वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे। घुटना और बटक जो है वो एक सीधी रेखा में होने चाहिए, पैर का पंजा नीचे की तरफ झुका हुआ। धीरे धीरे आगे की तरफ किक्स करेंगे एंड उत्तित हस्तपाद अंगुष्ठासन सी, यानी उसका जो एक वेरिएशन है, उसमें हम जाके होल्ड करेंगे। धीरे धीरे स्टर करना है लेफ्ट टू राइट, उसी तरीके से राइट टू लेफ्ट पैर के पंजे को गोल गोल घुमाना है। अभी हिप को इनसाइड आउट गोल घुमाएंगे 5 बार और धीरे से आउटसाइड इन गोल घुमाएंगे 5 बार। ये हो जाने के बाद बैठ जाएंगे अपने आसन के ऊपर। बद्ध कोणासन की स्थिति जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, उस स्थिति में बैठ जाना है। यहाँ से दोनों पैरों को फैला लेना है। अब हम बद्ध कोणासन से वाइड लेगेड पोजीशन में जाएंगे और दोनों ही स्थितियों को डायनामिक मूवमेंट करते करते चेंज करते रहेंगे। यानी बद्ध कोणासन, वाइड लेगेड सिटेड सीटेड पोज, बद्ध कोणासन, वाइड लेगेड सीटेड पोज। इस तरीके से आपको 10 times मूवमेंट करना है। दोनों पैरों के पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखें, दोनों पैरों के पंजे अंदर की तरफ खींच के रखने हैं।
हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके राइट टू लेफ्ट हम चक्की चालन की क्रिया करेंगे। ध्यान ये रखें कि आपकी जो कोनियाँ हैं वो बेंड नहीं होनी चाहिए जब आप पीछे जाते हैं, तो हाथों को एकदम सीधा रख के चक्की चालन करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाने के बाद हम थोड़ा और स्ट्रेच करते हुए पैरों के पंजों को अंदर की तरफ और खींचते हुए पहली दो उंगलियों से और अंगूठे से हुक बना के मैं अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लूँगी। अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं तो अपने एंकल, काफ या तो अपने वेस्ट को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ पकड़ने के लिए तो मैं अपने टो को पकड़ूँगी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। टो को पकड़ लीजिए, एल्बो को आगे रखने की कोशिश करें और धीरे से अपने ऊपर वाले हाथ से पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करिए। ध्यान में ये रखना है कि आपका जो अपर शोल्डर है वो पीछे की तरफ रहेगा, आगे से उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। इस क्रिया को 7 से 8 बार रिपीट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इस क्रिया को रिपीट करेंगे। ये हो जाने के बाद हम अपने राइट लेग से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, घुटने को मोड़ के। घुटना और आपका पैर का पंजा एक सीधी रेखा में होना चाहिए और दूसरे पैर से भी उसी तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। आप देख सकते हैं क्या करना है आपको, इंटरलॉक योर फिंगर्स, गर्दन को सपोर्ट करते हुए आगे झुकेंगे, अपने नाक को नीचे लगाना है और ऊपर जाना है। वापस एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, सांस बाहर निकालते हुए आगे और सांस को अंदर भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे ऊपर और नीचे की इस क्रिया को, डायनामिक मूवमेंट्स को हम करते जाएंगे। नीचे जाना सरल रहता है, ऊपर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट दैट्स फाइन, प्रैक्टिस के साथ आप इसे ज़रूर मास्टर कर सकेंगे। दूसरी साइड उसी तरीके से हम रिपीट करेंगे इस क्रिया को, इंटरलॉक कर देने हैं दोनों हाथों को, आगे की तरफ झुके और इनहेल ऊपर, वापस एक्सहेल आगे और इनहेल ऊपर, एक्सहेल आगे, इनहेल ऊपर। इसी क्रिया को हम 6 से 7 बार रिपीट करेंगे और आखिरी काउंट में उसे नीचे होल्ड करके रखेंगे अराउंड 10 काउंट्स के लिए। यानी आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और होल्ड करके रखना है। दोनों हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक करके अभी हम हिप ओपनिंग ड्रिल करेंगे, यानी इस तरीके से ट्विस्ट करते रहना है आपकी लेफ्ट साइड और आपकी राइट साइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रिल है, मेरी बहुत फेवरेट है, पर ये करते करते हो सकता है शायद आप स्लाइड करके पूरे आगे आ जाए, अपने मैट से बाहर निकल जाए, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वापस मेरी तरह पीछे चले जाइए। अभी टेबल टॉप पोज करेंगे हम, दोनों पैरों के पंजों के बीच में 1 फुट जितना अंतर, अपनी पैरों की जो घुटने हैं उसको आपको शोल्डर की लाइन में रखना है, हाथों के पंजों को शोल्डर की लाइन में रखते हुए जहाँ पे आपकी कोनियाँ आपने रखी है वहाँ पे आपको आपके हाथ के पंजे इस स्थिति में रखने हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उंगलियाँ आपके बट को फेसिंग रहेगी और रिस्ट बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है, बिल्कुल हाथ को उल्टा नहीं रखेंगे, ऐसे इंग्लिश का एम बनेगा आपके बॉडी से। ये परफेक्ट कंडीशन आने के बाद धीरे से हम ऊपर इनहेल करते हुए बट को ऊपर लेंगे और नेक को रिलैक्स करेंगे, एक्सहेल करते हुए बट को नीचे लेकर आएंगे। अगर हो सके तो आप अपने बट को नीचे लेकर आएं, लेकिन थोड़ा सा हवा में रखें, पूरा मैट के ऊपर मत रख दीजिए। इसी पोजीशन को हम ऊपर नीचे रिपीट करेंगे, इनहेल धीरे से ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, आखिरी काउंट में 5 बार होल्ड करेंगे। अभी टेबल टॉप से हम दंडासन में जाने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपसे नहीं होगा तो इट्स फाइन, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से इसे भी अचीव कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल टॉप से जब मैं दंडासन में जा रही हूँ तो मैं अपने बट को नीचे नहीं रख रही हूँ, बट को हवा में रख रही हूँ, इससे आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बहुत स्ट्रांग होंगे, शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके रिस्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे और कोर का भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होगा। इस क्रिया को रिपीट करें और दंडासन में 5 काउंट्स होल्ड करके रखें।
ये हो जाने के बाद हम धीरे से साइड बेंड करेंगे। जो पिछले वीडियो में दिखाया था उसे थोड़े से अलग साइड बेंड है, हमने बेस पोजीशन थोड़ी सी अलग ले ली है, यानी मैंने अपने राइट पैर से वीरासन जैसा पोज किया हुआ है। आप देख सकते हैं हील कैसे बाहर है मेरा और घुटने से मुड़ा हुआ है पैर, और दूसरे पैर से मैंने अर्ध सिद्धासन जैसी पोजीशन ली हुई है, यानी कि मेरा पैर जो है वो घुटनों से मुड़ के मेरे थाई को लगा हुआ है। अब मैं अपने हाथ के पंजे से लेकर कोनी तक का हिस्सा ज़मीन के ऊपर रखते हुए धीरे से साइड बेंड्स करूँगी। इस तरीके से डायनामिक मूवमेंट्स करने हैं जितने हो सके उतने। इससे क्या होगा, आपका जो ऑपोजिट हिप है वो ऊपर नहीं उठेगा। अभी साइड स्ट्रेच करना है, वापस साइड बेंड एंड साइड ट्विस्ट। इसको हम 3 से 4 बार इसी तरीके से रिपीट करेंगे। अभी दूसरी साइड भी उसी तरीके से हमें पोजीशन ले लेनी है। पहले साइड बेंड्स करने हैं 5 से 6 बार और उसके बाद 5 से 6 काउंट साइड ट्विस्ट को होल्ड करके रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी ये क्रिया को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और कोशिश करिए कि आपके वज्रासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, उन आसनों का अभ्यास न करें। चलिए नी प्रेसेस करेंगे। घुटनों के दर्द के लिए क्रिया बहुत अच्छी होती है। मुट्ठियाँ बंद करके अपने नी जॉइंट्स के नीचे मुट्ठियों को रख दीजिए। एक लंबी सांस भरते हुए धीरे से अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे और नीचे रख देंगे, वापस ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। वापस अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है और नीचे रख देना है। एक और बार ऊपर उठाना है और नीचे रख देना है। आखिरी काउंट में हम इसे 10 से 12 बार होल्ड कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम नी प्रेसेस, नी बॉल को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे क्वाड्रीसेप्स और हमारे ग्लूट्स भी एंगेज होंगे। धीरे से नीज को नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कैसे प्रेस करना है और रिलीज़ करना है, किस तरीके से घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है और रिलीज़ करना है। इसे हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, पर ये ज़रूरी था क्योंकि सारे सूक्ष्म व्यायाम एक ही वीडियो में कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, पर थोड़ा लंबा समय था। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर से करें। ये सूक्ष्म व्यायाम आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एक बिगिनर है, इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर है, या तो फिर आप मेडिटेशन करते हैं। हर एक को ये सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर से प्रैक्टिस करने चाहिए आपके योगाभ्यास की शुरुआती समय में, ठीक है। तो ज़रूर से करिएगा। हमें आपके जो भी अभिप्राय हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके साथ साथ अगले हफ्ते हम आने वाले हैं एक नई सीरीज़ लेके, एक नए विषय के ऊपर। उस विषय को मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़े रहिएगा अगले हफ्ते के सीरीज़ के विषय को जानने के लिए। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें। नमस्कार।